हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में, हमारे शरीर में जो सिस्टम काम करता है उसके बारे में। तो हमारे शरीर में 6 तरह के सिस्टम काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम और लास्ट है आपका नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम इन 6 सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, सेल्स से बना है, और बहुत सारी सेल्स का जो एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ का जो एक ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, वो ऑर्गन बनाता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बनाता है। और हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने का काम करता है। इसमें हेल्प कौन कौन करते हैं, ग्लैंड्स, एंजाइम्स, ऑर्गन्स। तो हम देखते हैं डाइजेशन आखिर बोलते किसको हैं। डाइजेशन वो होता है जब हम फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके। तो हमारी बॉडी में जब वो फूड जाएगा तो एंजाइम्स, ग्लैंड्स ये क्या करेंगी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगी। तो ये जो कन्वर्जेशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है ये, तो यही इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स थ्रू द एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में चेंज करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का ग्रुप जो डाइजेशन को कंप्लीट करता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। हम पढ़ते हैं अब ग्लैंड्स और एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो भी बॉडी ऑर्गन्स ही होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल। और वो केमिकल जो है वो एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और सैप या जूस भी हो सकते हैं। तो हमने जाना कि ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस करे, और वो केमिकल क्या होंगे, सैप, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस करे उनको हम कहेंगे ग्लैंड्स। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उनको स्पीड अप करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ये एक तरह से कैटलाइस्टिक की तरह काम करते हैं। कैटलाइस्टिक क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक कैटलाइस्टिक की तरह काम करते हैं और केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको स्पीड अप कर देते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। फर्स्ट है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो एंजाइम्स और जूस प्रोड्यूस करे, मतलब जो एंजाइम्स और जूस बनाती हो। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होगी, जो हार्मोन्स बनाए बॉडी में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो बॉडी में सैप और एंजाइम्स बनाए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो बॉडी में हार्मोन्स बनाए, और एक होती है आपकी मिक्स ग्लैंड जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है उनको कौन कंप्लीट करता है, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट करती है। किसके थ्रू, जूस और एंजाइम्स के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम 2 तरह के पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों के थ्रू ही क्या होता है, बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, आहार नाल को, मतलब जो भी हमने खाना खाया है वो बॉडी में आहार नाल के थ्रू ही बॉडी के अंदर जाएगा। और आहार नाल जो होती है वो अपने माउथ से लेके एनस तक कनेक्ट होती है। ये क्या करती है, फूड को अब्जॉर्व करती है, लेती है बॉडी में और बाहर भी निकालती है।
तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? माउथ, फूड पाइप जिसको साइंस के लैंग्वेज में ईसोफेगस बोलते हैं, थर्ड है आपका स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और जो आपका माउथ होता है इसमें कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सेलिवरी ग्लैंड। और जो स्टोमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक लीवर और एक पैनक्रियास। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो क्या होती है? एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर एनस तक कनेक्टेड होती है। ये कितनी लंबी होती है? 8 to 10 meters लंबी होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर ख़त्म होती है। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी फूड हमने खाया है वो उसको किस में कन्वर्ट करेगी? सिंपल मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट कर देगी। सेकंड क्या है? जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका क्या करेगी? अब्जॉर्व करेगी, उसको अब्जॉर्व करेगी। थर्ड है आपका माउथ से एनस तक जो भी फूड हमने खाया है उसको लेके जाएगी। हमारी जो ग्लैंड्स होती है बॉडी में वो क्या प्रोड्यूस करती है? डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं जो किस में काम आते हैं? फूड के डाइजेशन में काम आते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे माउथ के बारे में कि माउथ जो है वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में। तो हमारे माउथ में क्या होते हैं? टीथ और टंग। टीथ और टंग कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में वो देखते हैं। टीथ जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? जो भी खाना हमने खाया है उसकी कटिंग करने में, उसकी बाइटिंग करने में, उसको चबाने में और उसको निगलने में सहायता करते हैं। और ह्यूमंस में दो तरह के दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका टेम्प्ररी टीथ जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और सेकंड क्या होता है? परमानेंट टीथ। तो टेम्प्ररी टीथ कितने होते हैं? 20, जो हमें बचपन से आते हैं, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 20। जब ये टूट जाते हैं फिर जब नए दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। और ये कितने होते हैं? टोटल 32। और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? 4 types के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे? इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मॉलर्स और मॉलर्स। तो बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? इंसीजर्स आते हैं। सबसे पहले कौन से आएंगे? इंसीजर्स। इनको स्माइली टिथ भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले यही आते हैं। इंसीजर्स जो होते हैं वो फ्रंट टिथ होते हैं, मतलब जो दांत आते हैं ना सामने की साइड उनको बोलते हैं इंसीजर्स। ये क्या काम आते हैं? कटिंग करने में। जो भी फूड हमने खाया है उसकी क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। और ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। सेकंड आपका आता है कैनाइन। ये क्या होते हैं? शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो भी फूड हमने खाया है उसको टियरिंग करते हैं, मतलब उसकी चीरफाड़ करते हैं। मोस्टली जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि वो आसानी से मांस को चीरफाड़ कर सकते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 4 टीथ होते हैं कैनाइन्स। फिर आते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं एक जॉ में, मतलब एक नीचे की साइड 4 और ऊपर की साइड भी 4। ये क्या करते हैं? जो भी खाना हमने खाया है उसको चबाने के काम आते हैं। फिर आते हैं मोलर्स। मोलर्स क्या करते हैं? जो भी हमने खाना खाया है उसको मिक्स करने का काम करते हैं। और ये एक जॉ में 6 होते हैं। और कब आते हैं? जब हम 12 टू 15 मंथ्स के होते हैं। ये क्या करता है? जो भी खाना है, जो जिनको हमने चीरफाड़ कर ली है, प्री मोलर्स ने क्या किया, उसको अच्छे से चबा लिया है, उसको ये सलाइवा के साथ मिक्स करता है। तो हमने देखा कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? इंसीजर्स आते हैं। और सबसे शार्प और पॉइंटेड टीथ कौन से होते हैं? कैनाइन, जो कार्निवर्स या मांसाहारी जो होते हैं एनिमल्स उनके काम आते हैं।
अच्छा, आपने सुना होगा कि विजडम टीथ आते हैं, 20 के ऊपर जो एज आती है उसमें क्या आते हैं, विजडम टीथ आते हैं। ये क्या होते हैं, मॉलर्स ही होते हैं। ये विजडम टीथ जो होते हैं नंबर्स में 4 होते हैं, जो किसी किसी के आते हैं और किसी किसी के नहीं भी आते, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं, वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिनका कोई बॉडी में यूज़ नहीं है, कोई काम के नहीं होते हैं ये विजडम टीथ। अब हम पढ़ते हैं टंग के बारे में, जीभ जो होती है ये क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमें किसका पता देता है, जो भी हमने खाया है उसका टेस्ट कैसा है उसके बारे में हमें ये बताता है। और ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब ये जो पूरा बना हुआ होता है वो सिर्फ मसल से बना हुआ होता है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है। और जो हमारी टंग है उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। जो सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है और क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है। और वो सलाइवा जो है फूड को मिक्स करने के काम में आती है। सलाइवा में क्या होता है, वाटर होगा और एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम्स और लाइसोसोम्स। आपको पता है टॉयलिन एंजाइम और लाइसोसोम्स क्या करेंगे, जो भी खाना हमने खाया है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है या फिर हमने कोई सड़ा गला खाना खा लिया है तो वो उसको मुँह में ही मार देगा। जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप की होती है, पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारी टंग होती है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या टेस्ट फील होता है। जो टंग है उसका जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहाँ क्या पता चलता है, स्वीट टेस्ट का। जो भी हम मीठा खाना खाते हैं, जो टंग का फ्रंट पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उससे हमें पता चलता है कि हमने जो खाना खाया है या कोई चीज़ खाई है वो क्या है, स्वीट है, मतलब मीठी है। फिर है यहाँ पे मिड में हमें पता चलता है कि जो भी हमने चीज़ खाई है या खाना खाया है वो क्या है, खट्टा है, सौर है। यहाँ पीछे की साइड हमें पता चलता है कि जो भी हमने खाना खाया है वो बीटर, कड़वा है या नहीं है। ये टेस्ट कहाँ से आता है, यहाँ से। और जो टंग है उसके साइड वाले जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें क्या पता लगाती है, जो हमने खाना खाया है वो सॉल्टी है या नहीं, मतलब नमकीन है या नहीं। और लास्ट जो होता है टंग का, जो लास्ट पार्ट होता है, वहाँ से हमें पता चलता है, जैसे हम कोई ऑनियन, जिंजर या गार्लिक खाते हैं तो हमें कड़वाहट महसूस होती है, जलन महसूस होती है, वो कहाँ से होती है, जो टंग है उसका जो लास्ट पार्ट है, एंड वाला जो पार्ट है, वहाँ से हमें पता चलता है टेस्ट के बारे में। तो हमारा जो माउथ है उसमें किसका डाइजेशन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जो भी हमने खाना खाया है उसमें जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिली है उसका 70% डाइजेशन कंप्लीट होता है माउथ में। हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे पता चलता है, जो हमारी टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है वो न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाती है, और जो न्यूरॉन है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है कि हमने कोई खाना खाया है और उसका टेस्ट का पता लगाना है। तो ब्रेन जो है वो रेस्पॉन्स करता है कि हमने जो खाना खाया है वो सॉल्टी है, बीटर है, सॉर है या स्वीट है। सेकंड है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। ईसोफेगस जो होती है वो फूड पाइप को बोलते हैं, मतलब ऐसी पाइप जो खाने को माउथ से कहाँ तक पहुँचाती है, एनस तक पहुँचा रही है। ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करके रखती है। तो हमारा जो गला है उसमें 2 तरह की पाइप होती है, एक फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं और दूसरी होती है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो माउथ से कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा। और जो हम एयर ले रहे हैं एनवायरनमेंट से वो कहाँ आएगी, वो विंड पाइप में आएगी। अच्छा, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि खाना खाते समय हमें ना तो कोई हंसना चाहिए ना ज़ोर से बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाता है फूड पाइप से होकर, तो अगर हम हंसते हैं तो इन पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और ये फूड पार्टिकल्स इधर से आके विंड पाइप में चले जाएंगे और एयर जो है उसका रास्ता रोक लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करती है, फूड पाइप के खाने को और विंड पाइप के एयर को अलग अलग रखती है। ये फूड पाइप के खाने को विंड पाइप में जाने से रोकती है।
जो आपकी फूड पाइप होती है, ईसोफेगस जो होती है, उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, और ये भी क्या बनी, मसल से बनी हुई होती है। फूड पाइप में खाना कैसे जाएगा स्टोमक तक? इसमें मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का, मतलब एक बार ये फूड पाइप जो है सिकुड़ेगी और फिर क्या होगी, फैल जाएगी। इस तरह जो खाना है वो नीचे स्टोमक तक जाता है। ईसोफेगस जो होता है वो कोई भी एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, यह सिर्फ क्या करता है, माउथ से स्टोमक तक खाना ट्रांसफ़र करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। तो हमारा स्टोमक जो होता है वो जे शेप का होता है, जो अल्फ़ाबेट जे है उसके शेप का ये स्ट्रक्चर होती है। और कहाँ पाया जाता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है जो कम से कम 3 किलो, ठीक है, 3 किलो फूड जो है उसको कंटेन करके रखता है बॉडी में। और जो आपका स्टोमक है उसमें कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो हमारा स्टोमक जो है वो क्या क्या फंक्शंस करता है, ये फूड को टेम्परेली स्टोर करके रखता है। और क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स है फूड से, जो भी हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं उनका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। और ये वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल और बहुत सारी जो मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जो आपका HCL है वो क्या करता है, HCL kills the bacteria, जो भी फूड के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच गए हैं उनको ये क्या करता है, HCL मार देता है। और हमारा जो स्टमक है उसमें जो प्रोटीन्स हमें मिले हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेप्टोन्स या पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब फूड हमारे स्टमक में आता है तो इसका जो डाइजेशन है वो तुरंत नहीं होता है, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक खाना जो है वो स्टमक में पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव होती है और उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो फूड खाया है हमने उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। तो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती है। और इसमें क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में वाटर होगा, HCL होगा और एंजाइम्स होंगे। जो स्टोमक में जो ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है वो किसका डाइजेशन करता है, वो मिल्क का डाइजेशन करता है। मिल्क को वो कैसीन प्रोटीन में चेंज कर देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारता है। और सेकंड क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। कैसे करता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी तो HCL भी ज़्यादा चाहिएगा। HCL क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिससे जलन पैदा होती है। ये क्या करता है, स्किन को जला देता है, जिससे हमें ऐसा फील होता है बॉडी में कि जलन हो रही है, उसी को तो हम एसिडिटी बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम क्या पीते हैं, इनो का यूज़ करते हैं। इनो जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, एक बेस होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, MgOH2 प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या होगी, जो हमारी बॉडी में जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। HCL जो होता है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है, इसलिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि सब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो अगर हम पानी पी लेंगे तो ये क्या करेगा, एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देगा। और अगर एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो खाने का डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर टाइम से। जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। क्यों, क्योंकि जो रेनिन एंजाइम्स हैं वो तभी पाया जाता है बॉडी में जब आप बहुत सारा मिल्क पीते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं, मिल्क ही पीते हैं, इसलिए रेनिन जो एंजाइम है वो उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है। तो आपका जो स्टोमक है उसमें किसका डाइजेशन होता है, उसमें प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। और किसका डाइजेशन होता है,
मिल्क वगैरह का प्रोटीन्स किससे मिलते हैं? मिल्क से मिलते हैं, तो इनका डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट होता है। अल्कोहल जो होती है वो भी कहाँ जाती है? स्टमक में जाती है। इसका जो डाइजेशन है वो स्टमक में ही होता है। और जो अल्कोहल है उसमें क्या होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, एसीटोन, एसीटाल्डिहाइड, जो किसको डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। ये क्या होती है, इसकी लेंथ जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है। इसकी लेंथ 6 to 6.25 meters के अप्रॉक्स होती है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, मतलब एक दूसरे में सिमटा हुआ होता है, कॉइल जैसे स्ट्रक्चर होती है। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। अगर फिट में हम देखें तो ये अप्रॉक्स 22 फिट के होती है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, लीवर और पैनक्रियाज। जो आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो लीवर और पैनक्रियाज से जुड़ा होता है। जब हम खाना जो है खाते हैं तो जब वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में आता है तो लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, जूस बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और ड्यूडेनम वाले भाग में भेज देते हैं, जिससे जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट है ड्यूडेनम। दिस इज़ फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे पहला और सबसे छोटा पार्ट होता है। ये क्या करता है, जो फूड है उसके केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ड्यूडेनम जो होता है वो लीवर के पास होता है, और जो लीवर सेल्स हैं उनको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। मतलब ये क्या करती है, हाईएस्ट जनरेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर होती है, मतलब पुनर्निर्माण। अगर कोई सेल जो है लीवर की वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद अपने आप रीजनरेट हो जाएगी, अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि लीवर के कुछ पार्ट को हम डोनेट भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने लीवर का कुछ पार्ट डोनेट किया है तो जिसको ये डोनेट किया है हमने, उसके बॉडी में क्या बनने लग जाएगा, ये लीवर जो है उसके सेल्स रीजनरेट होने लग जाएगी और पूरा लीवर बन जाएगा अपने आप। इसका जो वेट होता है लीवर का वो होता है 1.5 kg के अप्रॉक्स। हमारा जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी में 24 आवर्स बनता रहता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये कहाँ स्टोर होता है, बाइल जूस गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। प्रोड्यूस तो बन कहाँ से रहा है, लीवर से, और स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। बाकी जो बाइल जूस है वो कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। बाइल जूस जो होते हैं वो फैट और लिपिड्स को पचाने के काम करते हैं, फैट्स और लिपिड्स का डाइजेशन कर देते हैं फैटी एसिड में। अब है जेजुनम। ये क्या होता है, मिडल पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, और इसका काम क्या होता है, जो भी फूड आया है उसको अब्जॉर्व करना। जो ड्यूडेनम से जो खाना आता है उसको क्या करता है, ये इलियम को ट्रांसफ़र कर देता है। इसका सिर्फ यही काम होता है अब्जॉर्प्शंस का। फिर आता है इलियम। इलियम जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये जो है वो ओपन होता है। किससे कनेक्टेड होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी कनेक्टेड होता है। जो आपने फूड खाया है, जो भी खाना खाया है, उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो यही होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें विली कहा जाता है। ये क्या करती है, विली जो होती है वो जो भी हमने खाना खाया है इसके अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। जो ह्यूमंस हैं उनमें जो फूड स्टोर हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होगा। तो सबसे पहले फूड आया, फिर क्या हुआ, जो उससे न्यूट्रिशंस मिलने वाले थे उनको अब्जॉर्व किया गया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, अब क्या हो रहा है, उनका अब्जॉर्प्शंस हो रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम क्या होता है, जो भी मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर है उनको अब्जॉर्व करना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उनको क्या करता है, ये जो भी फूड वगैरह है, वेस्ट फूड है, ये जो सारे काम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाएंगे, एनस में चले जाएंगे और बाहर निकाल दिए जाएंगे बॉडी से।
जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 3 इंच का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कैसियम, कॉलन और रेक्टम। तो आपका फर्स्ट है कैसियम। ये क्या करता है, ये इलियम से कनेक्टेड होता है और अब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड पल्प कमिंग फ्रॉम इलियम एंड रिमेंडेड वेस्ट मटेरियल्स इज टेकन फर्दर इनटू कॉलन। ये क्या करता है, इसमें वर्मी फॉर्म्स अपेंडिक्स होती है। जो आपकी अपेंडिक्स होती है बॉडी में, वो क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब अवशेषी अंग होता है, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी में क्यों होती है, बहुत साल पहले जब हम बंदर हुआ करते थे तब क्या होता था, हमारी बॉडी में वर्मी फॉल अपेंडिक्स होता था, जो आज भी है। पहले क्यों होता था, पहले के लोग क्या करते थे, घास फूस कोई भी जो हार्ड फूड होते हैं वो खा लेते थे, तो उनको पचाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की ज़रूरत होती थी, जो कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते थे, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से प्रोड्यूस किए जाते थे। अभी भी कई बार कुछ लोगों के अपेंडिक्स का दर्द हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम फूड के साथ कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है, इसमें वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होते हैं उसमें वो एंजाइम्स बनना बंद हो गए हैं। अब नेक्स्ट है आपका कोलोन। कोलोन में क्या होता है, जो भी वाटर है, लिक्विड्स है, उनका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कोलोन में होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और क्या करता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो बैक्टीरिया हो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आता है आपका रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट फूड जो होते हैं वो कुछ देर के लिए यहाँ स्टोर होते हैं, और फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एनस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एनस के थ्रू बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। रेक्टम जो होता है वो नियरली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और रेक्टम को एनल कैनल भी बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शंस होंगे, अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, सेक्रेटेड म्यूस्कस फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ फेसेस एंड मेक्स डिफिकेशंस इजी। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देखी, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। तो आपके जो सेलिवरी ग्लैंड्स है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, कि सेलिवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है हमारे माउथ में, और क्या इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कि जो सलाइवा जो होती है वो फूड को मिक्स करके कहाँ पहुँचा देती है, फूड पाइप के थ्रू पेट में पहुँचा देती है। जो भी हमने फूड खाया है वो सलाइवा के थ्रू क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा, जिससे उसका डाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाएगा। जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जिसको बोलते हैं, वो होता है जो क्या करता है, जो पॉलीसेकेराइड है उनको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फिर आपकी आती है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्यों इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एंडोस्ट्राइन हार्मोन को सेक्रेटेड करती है, मतलब ये एंजाइम्स भी बनाएगी, जूस भी बनाएगी और हार्मोन्स भी बनाएंगी। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लीफ जैसी होती है, और जो किससे कनेक्टेड रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहती है। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करती है, जिसका पीएच लेवल होता है 7.3। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारी बॉडी में 1 लीटर बन जाता है एक दिन में। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम जो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। फिर आएगा एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। थर्ड आपका आएगा लाइपेज जो क्या करेगा, लिपिड्स का डाइजेशन करेगा। यहाँ से हम देखते हैं पहले क्या किया, प्रोटीन जो है उसका स्टोमक में डाइजेशन हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। फिर क्या हुआ, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसने इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, इसका 100% डाइजेशन कंप्लीट हो गया।
फिर कार्बोहाइड्रेट जो है उसका 70% डाइजेशन कहाँ हुआ, माउथ में हुआ, और वो किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया। यहाँ ग्लूकोज से इसको चेंज कौन करेगा ग्लाइकोजन में, एमाइलेज एंजाइम जो है वो उसको 100% ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा और इसका डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड आपका है फैट। फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो 90-95% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ये किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। फिर ये किस में चेंज होगा, ग्लिसरॉल एंजाइम्स में चेंज हो जाएगा, जिसको कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम इसको चेंज करेगा। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, एमाइलेज, माल्टोज और सुक्रोज, और प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये करेंगे, लिपिड्स का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम करेगा, और जो न्यूक्लियसेस होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेंगे, इसका डाइजेशन करेंगे। तो हमारा जो डाइजेशन वाला पोर्शन है वो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।